का बोतल है। वो भी अपने हाथ से शायद। अगर 10 बजे इनॉग्रेशन है, मेरा फोन की हालत बिगड़ते हुए दिख रहा है, जो मैंने आपको बोला था, जैसी ना बनी पड़ी है बुद्ध। बाद में फिर सारी जिंदगी उसके पति से और उसके ससुराल वालों से छित्तर हमें ही खाने पड़ेंगे। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू ऑन द वीलॉग। दोपहर के बज रहे हैं 12:30। शर्मा जाके वापस आ भी गए अपने। ओके, दो तीन चीज़ें हैं, पहले बता देता हूँ। एक तो अपने को शेनाई वाली साइट पर जाना है, वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर के बाद जाएंगे। कोशिश करनी है कि सोहेल से एक बार मिल लें, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूजडे सोहेल जो है वो मुंबई के लिए निकलने वाला है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद हम उससे ना मिल पाएँ नेक्स्ट वीक में। सो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकेगा तो आज मिल लूँ। उसके अलावा वेदर देखो कैसा हो रहा है। कल अहमदाबाद में बारिश हो गई शाम को, लेकिन अपने यहाँ अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं बैठा हुआ है। ओवरकास्ट हो गया है, ओवरकास्ट का मतलब समझ रहे हो ना, हालत देखो, पसीना पसीना पसीना। गर्म नहीं है लेकिन यार फिर भी फटी पड़ी है। नाना ज़रा निपटाते हैं, नाश्ता पानी ऑलरेडी हो चुका है, और फिर बाद में देखते हैं दोपहर का क्या प्लान बनता है। दोपहर के 1:30, नाना जान जान पूजा पाठ जान, लंच निपटाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। वही अपने दोनों चैनल, बोले तो अपना ऑफिशियल चैनल और अपना ब्लॉग चैनल 340 सब्सक्राइबर्स दोनों में अपन ने हिट कर चुके हैं। इसके लिए सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। 340 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जो पहले से मेरे चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मेरे लिए नंबर बहुत मैटर करता है। धीरे धीरे ऐसे ही अपनी कम्युनिटी फिर से बड़ी हो रही है, एंड लेट्स सी आगे क्या कर सकते हैं। अपने ब्लॉग्स को और अपने ऑफिशियल चैनल को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे देखते हैं। भाई अपना हेल्दी खाना आ चुका है, दलिया और तुअर दाल। भाई टाइम ऑलमोस्ट 4। फाइनली मी एंड द मिसेस हम निकल रहे हैं शनई के लिए। साइट पे एक बार नज़र मार लेते हैं, उसके बाद मिसेस को कुछ दवाइयाँ चाहिए, सो वो भी आदिपुर से कलेक्ट कर लेंगे। कोशिश करेंगे बच्चा जब ट्यूशन के लिए निकले तब तक अपन घर आ चुके हों। यार 350 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद अपने से, उधर बारिश हो गई और अपने यहाँ नहीं हो रही है, क्या बोलें। सुबह तो फिर भी थोड़ा क्लाउडी था, थोड़ा ओवरकास्ट था, अभी भी है हल्का फुल्का, लेकिन आई डाउट बारिश होगी। मंडे को GTPL वाले को हमने एडवांस ट्रांसफ़र कर दिया था अप्रॉक्सीमेटली 5,800 रुपीज़ GTPL कनेक्शन के लिए। उसने बोला था 24 से 48 घंटे में हम लोग कनेक्ट कर जाएंगे। फ्राइडे तक जब कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमने GTPL को बोल दिया भैया पैसा रिफंड कर दो, हमें नहीं लगवाना है, बिकॉज हम लोग को जो वाईफाई चाहिए था वो अर्जेंट चाहिए था और आपने ऑलरेडी 5 दिन हमारे बर्बाद कर दिए। आज उनका बंदा आया था वेरीफिकेशन करने के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ट्यूजडे तक हमारा फंड हमें वापस मिल जाना चाहिए। अब या तो जियो की सर्विसेज या तो फिर एयरटेल की सर्विसेज को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया 5 दिन तुम्हारे वेस्ट हो गए, सैटरडे संडे तो कुछ नहीं होगा। अब मंडे ट्यूसडे से ही कहानी शुरू होगी। टाइम ऑलमोस्ट 5 बजने को आया, साइट से अपन लोग हो चुके हैं फ्री। काम काफ़ी स्लो चल रहा है यहाँ पे, इतना स्लो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अब क्या करें, जो होना था वो हो गया।
मसल्स की दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल आ चुके हैं। मेडिसिन कलेक्ट करते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। और 5:30 हो गए यार, मतलब कि बच्चा ऑलरेडी ट्यूशन के लिए निकल चुका होगा इफ ऑल गोज वेल, नहीं तो दादी दादा ने नहीं भेजा होगा। पहले दरवाजे पे थी, यहीं पर बोला आओ तो मैं यहाँ मेन डोर पर खड़ी हूँ। हमारे गंदी तो हमारे घर में होता नहीं है ना, दरवाजे के पे ब्लॉक लग जाता है पूरा है। और फिर हम आते नहीं है। ज़्यादा तो दिल बैठा जा रहा है, किसको बोलो? भारत माता की जय।